नमस्कार साथियों, मैं सोनम शर्मा, इंटरनेशनल योगा ट्रेनर। मेरे यूट्यूब चैनल हॉरिजन योग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा आसन लेकर आई हूँ जिसे करने से डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाएं, अपने बटक को एड़ियों पर टिकाना है। आराम से वज्रासन लगाएंगे। वज्रासन में बैठने के बाद अपने हाथों के दोनों मुट्ठियों को बनाएं और नाभि के आसपास रखना है। थाइस से टिकाते हुए नाभि के आसपास रखेंगे, कंधे गर्दन सीधे और सांस भरते हुए आपको पूरा आगे की तरफ झुकना है, जितना आपसे झुकते बने, और वहीं पर सांस को रोक के रखना है जितनी देर आप रोक सकते हैं। फिर वापस अपनी पहली स्थिति में आ जाए सांस लेते हुए। तो चलिए देखिए। तो ये मैंने आपको बताया मंडूकासन कैसे किया जाता है। चलिए, तो ये मैंने आपको मंडूकासन करके बताया। अब हम लाभ की बात कर लेते हैं। मंडूकासन करने से डायबिटीज़ कंट्रोल रहता है और जो लोग शुरू से करते हैं उन्हें कभी डायबिटीज़ जैसे रोग नहीं होते। दूसरी बात अगर हम करें तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज होती है। जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है वह सभी मजबूत होते हैं मंडूकासन के करने से। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है मंडूकासन के करने से। और सावधानियां बताना चाहूँगी कि गर्भवती महिलाओं को मंडूकासन नहीं करना चाहिए। दूसरा, जिन लोगों की सर्जरी हुई है, किसी भी प्रकार का ऑपरेशन हुआ है, उन्हें मंडूकासन 6 महीने तक नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ में जिन्हें गंभीर रोग हैं पेट के, उन्हें मंडूकासन नहीं करना चाहिए। तो हमने बात की लाभ सावधानियों की, तो आप भी मंडूकासन कीजिए। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए। हरिओम तत्सत।